तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन पे कैसे किसी भी हिंदी लैंग्वेज को अलग अलग टाइप या अलग अलग टेक्स्ट स्टाइल से कैसे ऐड कर सकते हैं। बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता कि इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे ऐड करना है, तो यही आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आकाश और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो चैनल पहली बार अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ पे अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं सिंपली पहले। तो अब जैसे आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर ले, यहाँ पे सर्च बार पे आपको जाना है और आपको सर्च करना है, आप देख सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज टेक्स्ट स्टाइल डाउनलोड। तो यहाँ पे जैसे कि हमने ऑलरेडी टाइप किया हुआ है तो आपको यही सर्च कर लेना है। देख सकते हैं आपको सर्च क्या करना है, हिंदी लैंग्वेज टेक्स्ट स्टाइल डाउनलोड। यहाँ पर इस तरह से आपको सर्च करना है। आपको फिर नीचे में बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड कृति देव हिंदी फ्रंट लिखा है, यहाँ पे मैं चले जाऊँगा। और यहाँ पे आने के बाद आपको इस तरह से वेबसाइट ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और जैसे नीचे स्क्रॉल करते जाऊँगा आपको मिलते जाएंगे नए नए टाइप के हिंदी लैंग्वेज। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का है, अलग अलग टाइप के हैं, आपको जो भी पसंद आता है यहाँ से आप डाउनलोड कर लें। सब हिंदी ही हैं लेकिन अलग अलग टाइप के हैं, फॉन्ट स्टाइल उसका सबका अलग अलग है। तो यहाँ पे आप देखते जाएं, आप जो भी ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ऐड करना है कृति देव 0 और 40 को, ठीक है। यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे। अब जैसे आप डाउनलोड हो जाए इस तरह सिंपली यहाँ से बाहर आ जाना है। आप चाहें जितना भी एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक ही लैंग्वेज या एक ही स्टाइल का यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया। जैसे डाउनलोड हो जाए अब इसके बाद आपको सिंपली आपको ऐप पिक्सल लैब ओपन कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पिक्सल लैब ओपन कर लिया। अब यहाँ पे जैसे आपका पिक्सल लैब ओपन हो जाए, आप जिस फोटो में ऐड करना चाहते हैं या टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं यहाँ पे, उस फोटो को सेलेक्ट कर ले पहले। तो यहाँ पे मैं कोई सा भी एक फ़ोटो आपको दिखाने के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने एक जो फ़ोटो है या बैकग्राउंड कहा जाए तो उसको सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए लिखा है, इस ए वाले ऑप्शन पे जाना है और उसके बाद आपको स्लाइड करते हुए यहाँ पे आपको जाना है टेक्स्ट पे या फॉन्ट पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉन्ट लिखा है ए और बी लिखा है, यहाँ पे आपको चले जाना है। अब जैसे यहाँ पे जाएंगे आपको करना क्या है, माय फॉन्ट पे जाना है और माय फॉन्ट पे जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने अभी एक जो फॉन्ट है हिंदी फॉन्ट उसको डाउनलोड किया है, यहाँ पे देख सकते हैं 40 लिखा है, जैसे कि मैंने अभी डाउनलोड किया 040 यहाँ पे आ चुका है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको सिंपली ओके पे प्रेस कर देना है। अब जैसे ओके पे प्रेस कर दें यहाँ पे, फिर आपको दो बार क्लिक करना है और आप यहाँ पे जो भी हिंदी में टाइप करना चाहते हैं या इंग्लिश में टाइप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हिंदी में कुछ टाइप कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, एग्जांपल के लिए कुछ भी हो टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ भी हो टाइप कर लिया हिंदी में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह दिखाई दे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हिंदी टाइप हो जाएगा। आप जो भी फॉन्ट अलग अलग टाइप के हिंदी में डाउनलोड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से आप बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं अपने हिंदी फॉन्ट को भी। तो आई होप दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।